हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोनिया, आप देख रहे हैं सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वॉल हैंगिंग का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, रेड बीड्स, वाइट बीड्स, वाइट वाले बड़े बीड्स, गोल्डन बेल्स, मिरर्स, इस तरह के छोटे राउंड मिरर, बड़े राउंड मिरर और इस तरह के ही छोटे वाले मिरर, एक प्लेट, प्लास्टिक के रिंग्स, गोल्डन बीड्स, पेन, सुई धागा, वेलवेट क्लॉथ, कैंची, गम, रेड रिबन, येलो कलर की ऊन और बॉल चेन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कार्डबोर्ड लिया है, इस तरह की प्लेट, निशान लगा लीजिए, हटा दीजिए और एक इंच के करीब एक गोला इसमें अंदर बना लीजिए। एक डेढ़ इंच पर अब आप इसे कट कर लीजिएगा, बाहर से भी और अंदर से भी। मैंने ये सर्कल काट लिया है अंदर बाहर दोनों तरफ से, ये सर्कल के बीच से निकला है, हम इसे भी यूज करेंगे। एक कड़ा लेकर राउंड शेप में सर्कल बना लीजिएगा और इसे भी कट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों कट चुके हैं। अब हम थोड़ा सा पीस कार्डबोर्ड का और लेकर 9 इंच लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई में कट कर लेंगे। वेलवेट का कपड़ा लेंगे और यहां ग्लू लगाकर इसे चिपका लीजिएगा, काट लीजिए। इस तरह की मिरर्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा फालतू बाउंड्री बना लीजिएगा, इसे कट कर लीजिएगा। अब आप इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें भी 5 काट लिए हैं और इन्हें वेलवेट से कवर कर दिया है। ये जो राउंड शेप है छोटे वाली, आप इसे भी वेलवेट से कवर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी इन्हें अलग रख दीजिए। सर्कल लीजिएगा और रिबन लीजिएगा, रेड वाला या आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो। मैंने चौड़े वाला रिबन लिया है, ग्लू लगाकर
पीछे की साइड चिपकाइएगा और अब इसे ऐसे रैप कर दीजिए पूरे सर्कल को। यहाँ तक रैप कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रिबन से रैप कर लिया है। बड़े वाले राउंड शेप के मिरर लेंगे और इन्हें लगा देंगे। थोड़े थोड़े गैप देकर मैंने इन्हें लगा दिया है। गोल्डन बॉल चेन लेंगे और सभी मिरर्स के चारों ओर लगा देंगे। इस तरह से सब पर लगा दीजिएगा और छोटे वाले राउंड मिरर लेकर इन सभी के बीच में लगा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, डेकोरेट करेंगे प्लास्टिक रिंग। बीच में लगा दीजिएगा और इसके ऊपर छोटा ये बड़े वाला मिरर। और इसके चारों तरफ इस तरह के मिरर्स लगाइएगा। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का हिस्सा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे का हिस्सा तैयार करेंगे। ये बॉक्स जो हमने बनाए थे इन्हें लेंगे, ग्लू लगाएं और बड़ा वाला इस तरह का मिरर लीजिए, लगा दीजिएगा और इसके चारों कोनों पर बॉल चेन लगा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बॉल चेन लग चुकी है। अब मैं इस तरह की छोटे छोटे मिरर्स लूंगी और यहां लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के हम 5 पीस तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहली लाइन में एक व्हाइट मोती, रेड व्हाइट 3 गोल्डन, फिर व्हाइट रेड व्हाइट 3 गोल्डन, ये प्लास्टिक का रिंग मोटा वाला व्हाइट मोती और ये जो हमने बनाया था। अब इधर से दूसरी लाइन शुरू करते हैं। हम इन तीनों ऊपर वाले मोतियों को हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी लेंथ कम करनी है। तो आप 3 गोल्डन मोती ले लीजिए
एक वाइट छोटा, रेड मोती, फिर वाइट मोती, तीन गोल्डन मोती, दोबारा से अब प्लास्टिक का रिंग, व्हाइट वाला बड़ा मोती, देखिए फ्रेंड्स दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तीसरी लाइन की ओर चलेंगे। व्हाइट मोती मोटा वाला, प्लास्टिक रिंग, तीन गोल्डन मोती, ये हमें छोटा रखना है तो हम इसमें और मोती नहीं लगाएंगे, थोड़ा गैप देकर ऐसे लगा दीजिएगा। इसे अच्छे से पक्का कर दीजिए। हमारी वन साइड कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है और ये सबसे बड़ा है बीच वाला। जिस तरह से हमने इधर की साइड कंप्लीट की है उसी तरह से ये यहां और ये यहां, ये दोनों इधर बना लीजिएगा।